हेलो फ्रेंड, मैं हूं सजल और आप देख रहे हैं सापुट प्लस यूट्यूब चैनल। एक बात बता दे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यहां पर दिए गए जो सब्सक्राइब बटन है प्लीज उसके ऊपर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मेरा एक वीडियो था हाउ टू एनेबल और डिसेबल राइट प्रोटेक्शन फ्रॉम योर पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, यानी पेन ड्राइव को कैसे राइट प्रोटेक्शन करते हैं और कैसे राइट प्रोटेक्शन हटाते हैं। तो दो ऐसा कमेंट है, पूछ रहा है सिद्धार्थ सेठ ने पूछ रहा है, मेरा सब कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद भी उनका जो कारण रीड ओनली स्टेट वो नहीं हट रहा है, वो ईएस है, यानी उसका जो राइट प्रोटेक्शन है वो नहीं हट रहा है। और एक कमेंट्स था, वो बता रहा है उसका जो एसडी कार्ड है उसका करंट रीड ओनली स्टेट ईएस है, स्टिल प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। तो एक्चुअली पर ये जो प्रॉब्लम आप लोग बता रहे हो, ये प्रॉब्लम हम लोग नहीं क्रिएट करते, ये प्रॉब्लम अपने आप हो जाता है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो होता है एचपी का पेन ड्राइव पर। तो चलिए, थोड़ा बहुत छानबीन करने के बाद वो प्रॉब्लम का सॉल्व मैंने ढूंढ निकाला और लकीली इस वीडियो को दिखाने के लिए मेरे पास वैसा ही एक पेन ड्राइव है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का नाम कहूंगा जो आप लोग डाउनलोड कर ले, ufix2, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर ले। मैं पहले ही डाउनलोड करके डेस्कटॉप पर रख दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ufix2, ये zip फाइल में आता है और जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो मैं मेरा पेन ड्राइव को कनेक्ट कर रहा हूँ। और यहां से चलते हैं कमेंट प्रॉम्प्ट पर। एडमिन कमेंट प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं आप लोगों को मालूम होगा, अगर ना मालूम है तो चले जाए मेरा पिछले वीडियो में, आई का जो बटन है वहां पर दिख रहा है, वहां पर लिंक है, और अगर ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप देख सकते हो वहां से। तो यहां पर क्या लिखना है, सब कुछ स्टेप सब कुछ कोड पुराने वाले जो वीडियो है वहां पर लिखा है, आप देख सकते हो। तो यहां पर क्या लिखना होगा, डिस्क पार्ट। जब डिस्क पार्ट ओपन हो जाएगा तब लिखना पड़ेगा डिस्क पार्ट, सॉरी हमने स्पेस दे दिया है, डिस्क पार्ट। जब डिस्क पार्ट ओपन हो जाएगा तब लिखना पड़ेगा लिस्ट डिस्क, कितने सारे डिस्क है वही सिलेक्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा लिस्ट डिस्क। मैंने ऊपर गलत लिख दिया फिर भी आ गया, लिस्ट हो गया, पर यहां पर लिखना पड़ेगा list, list disk, list disk आ गया। तो यहां पर से डिस्क वन को हम सिलेक्ट करेंगे, लिखना पड़ेगा सिलेक्ट डिस्क वन। नाउ सिलेक्टेड दिख रहा है, अब देखेंगे एट्रीब्यूट, हमें लगता है आप लोग इसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पर कारण रीड ओनली स्टेट यस और रीड ओनली नो है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये zip फाइल में आएगा और आप लोग एक्सट्रैक्ट करके ही इसको रन करें। चलिए